एशिया कप 2023 के सुपर चार के तीसरे मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 228 रनों से हरा दिया है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 2 विकेट खोकर 356 रन बनाए। भारतीय टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप के सुपर चार मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए विराट कोहली और केएल राहुल के शतक की बदौलत 50 ओवर में 2 विकेट खोकर 356 रन बनाए। केएल राहुल और विराट कोहली शतक बनाकर नाबाद लौटे। पाकिस्तान के लिए शाहीन अफरीदी और शादाब खान को एक एक विकेट मिला। भारत की तरफ से विराट कोहली ने नाबाद 122 जबकि लोकेश राहुल ने नाबाद 111 रन की पारी खेली। शुभमन गिल ने 58 जबकि कप्तान रोहित शर्मा ने 56 रन बनाए। भारत ने सोमवार को कल के स्कोर 24.1 ओवर में 147/2 से आगे खेलते हुए 356 रन बनाए। इसके जवाब में पाकिस्तान की टीम 32 ओवर में 128 रन ही बना सकी। कुलदीप यादव ने 5 विकेट लिए। 357 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान की शुरुआत अच्छी नहीं रही। इमाम उल हक 9 और कप्तान बाबर आज 10 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद बारिश की वजह से मैच एक घंटे तक रुका रहा और फिर जब शुरू हुआ तो शार्दुल ने पहले ही ओवर में मोहम्मद रिजवान को पवेलियन भेज दिया। इसके बाद कुलदीप यादव ने फखर जमा, आगा सलमान, शादाब खान, इफ्तिखार अहमद और फहीम अशरफ को आउट किया। भारत की पाकिस्तान के खिलाफ रनों के लिहाज से सबसे बड़ी जीत है।